हेलो स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मासारदा कोचिंग में और मैं हूं आपके साथ सौमित। और आप कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की तैयारी। और देखिए, क्योंकि तैयारी हमारी बहुत जोर शोर से चल रही है, तो जोर शोर से कहने का मतलब यह है कि अब हम लोग थोड़ा टॉपिक में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसकी टेस्ट सीरीज आप रोजाना शाम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि आपको काफी हद तक बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं हमसे जुड़ पाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के साथ हमारी ऐप क्लासेस से जुड़े, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज आपके साथ कराई जा रही है रोजाना शाम को 8 बजे। तो वहां पे आप उस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन उस टॉपिक से होते हैं जो टॉपिक यहां पढ़ाया गया होता है। वो आपको बताता है कितने आप पानी में हैं। ओके, चलते हैं टॉपिक। हमारा टॉपिक का नाम है द नाउन। नाउन अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, लेकिन अब उसमें चलेगा जेंडर। भैया अब उसमें हमारा जेंडर चलने जा रहा है। देखिए, मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे दो नंबर जो होते हैं वचन, जो हमारा गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज, इस तरीके से जो होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से आगे हमको इसको सॉल्व करना है, उनको मतलब किस तरीके से हमको बताना है, उनके सारे नियम मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि कहां पे एस आएगा, कहां पे आई एस आएगा, कहां पे आई वी ई आई वी ई एस आएगा, मतलब टोटल आपको उस लेक्चर में आपको बताया गया था। यहां आपको बात चलेगी जेंडर। जेंडर का मतलब होता है, एक प्रकार से हिंदी में कहते हैं इसको लिंग, ठीक है ना, संज्ञा लिंग। भैया जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भैया हिंदी में कि जैसे लड़का, उसका स्त्रीलिंग मतलब जो वैसा होता है जिसमें हमें सोचने में दिमाग में लड़की के हम कुछ ऐसा भाव आता है, तो वो हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो लड़का लड़की, माता पिता माता, चाचा चाची, मामा मामी, इस तरीके का होता नहीं होता है, एक एक मेल है एक फीमेल है। तो इस तरीके के हमारे जो हमारे एक प्रकार से कह लीजिए जो एक नाउन की जो हमें ये बताए कि वो मेल है या फीमेल है या कुछ, तो वो हमारा जेंडर कहला जाता है। प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए, जेंडर डिनोट वेदर ए नाउन इज अ मेल और ए फीमेल। भाई जेंडर डिनोट्स वेदर ए नाउन इज अ मेल और फीमेल। भैया ये बताता है जेंडर कि वो नाउन मेल है या फीमेल है। तो बेसिकली इंग्लिश में हमारे चार हमारे जेंडर होते हैं, चारों के बारे में हम लोग पता करेंगे कि कौन सा किस टाइप का होता है। सबसे पहले जो काइंड्स ऑफ जेंडर में देखा जाए, काइंड्स ऑफ जेंडर में पहला होता है हमारा मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर, भैया हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, भैया स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा हमारा होता है भैया कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, भैया इसे उभयलिंग कहते हैं। अभी चारों के बारे में लोग बताएंगे कि कौन सा किस तरीके का होता है, इसके बाद आप लोग को पता लग जाएगा कि हमारे जेंडर किस किस तरीके के होते हैं। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर हमारा होता है नपुंसलिंग, नपुंसक लिंग। तो भैया एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर हमारे कौन कौन से होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मस्कुलाइन जेंडर की। देखिए उतारते हैं ना, नोट्स में आप बना के रखना जितने भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। भैया ए नाउन दैट डिनोट्स द मेल बिलोंग्स टू द मस्कुलिन जेंडर, भैया जो इस बात को दिखाता है कि ये जो चीज है या ये जो व्यक्ति है ये मेल है, ये आदमी है, ये व्यक्ति, ठीक है ना, जो भी है, तो ये हमारा जो मेल को डिनोट करता है, मेल डिनोट्स,
जो मेल को डिनोट करता है वो हमारा क्या होता है, मस्कुलिन जेंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लें भैया, एग्जाम्पल में हम लोग बात कर लें जैसे मैन मतलब आदमी, बॉय, और क्या हो सकता है तुम्हारा टाइगर डॉग है, टाइगर डॉग, ब्रदर, अंकल, तो इस तरीके के जो आपके होते हैं वो हमारे मस्कुलिन जेंडर में आते हैं। दूसरा है हमारा फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर भैया जिससे हमारा फीमेल के लिए डिनोट होता है, फीमेल डिनोट, जिससे फीमेल डिनोट होती है वो हमारा मस्कुलाइन जेंडर होता है। तो भैया फीमेल डिनोट के एग्जांपल जैसे आपको कुछ बता दें, वुमेन, वुमेन, टाइगर, और हमारा भैया वुमेन हो गया, टाइगर हो गया, विच हो गया, ये सब हमारे कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिससे हमें मतलब कि फीमेल मतलब औरत होने का, या फिर एक लड़की के जिसमें हम लोग एक बोध होता है तो हमारा क्या कहलाया जाता है, वो हमारा फेमिनाइन जेंडर कहलाया जाता है। उसके बाद कॉमन जेंडर, देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें दोनों होते हैं, क्योंकि आप लोग ये आसानी से बता देंगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश में जो तीन हमारे जो तीसरे नंबर का कॉमन जेंडर और ये न्यूट्रल जेंडर होते हैं, ये हमारे थोड़े अलग होते हैं। इसमें देखिए इन दोनों में कंफ्यूजन होता है अक्सर। तो एक नाउन जो डिनोट करता है बोथ मेल और फीमेल, जो मेल और फीमेल दोनों को एक साथ डिनोट करता है, डिनोट बोथ, डिनोट बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, तो वो हमारा जो होता है वो हमारा कॉमन जेंडर होता है। ठीक है ना, कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं भैया, एग्जाम्पल में जैसे आपका देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बेबी, बच्चा, भाई बच्चा हम लोग ये नहीं बता पा रहे कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है ना भाई, बच्चा एक अपने आप में एक अलग कम्युनिटी होगी, तो हमारा उभय मतलब कि दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है ना, मेल या फीमेल बच्चे को आप लोग देख के आप लोग नहीं बता सकते। ठीक है ना, कॉमनली तो बेबी हो गया। उसके बाद भैया बेबी के बाद आपका हो गया, बेबी के बाद हो गया आपका, देखिए जैसे बहुत सारे और एग्जाम्पल है, चाइल्ड, स्टूडेंट, देखिए चाइल्ड जो है, स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट विद्यार्थी होता है, जब भी आपका रजिस्टर में लिखा जाएगा स्टूडेंट नेम लिखा जाएगा, वहां लड़की है लड़का है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट नेम बताइए। ठीक है ना, चाइल्ड बच्चे का नाम बताइए, तो बच्चे का नाम आप लड़की बताओगे तो लड़की डिनोट हो जाएगा, यदि आप लड़के का टाइप बताओगे लड़का, तो बच्चा जो है चाइल्ड वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे टीचर होता है, फ्रेंड होता है, डॉक्टर होता है, और पेरेंट्स होता है, और पेरेंट मतलब और इससे, ठीक है ना, पेरेंट होता है, पेरेंट्स नहीं होता है, पेरेंट अपने आप में ही वो बहुवचन है। ठीक है ना, उसके बाद न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर भैया, न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो हमारा एक नाउन होता है जो डिनोट करता है लाइफलेस, जिनमें कोई जीवन नहीं होता है, लाइफलेस थिंग्स को, लाइफलेस जिनमें कोई जीवन नहीं है उनको करता है, जैसे टेबल हो गया, लाइफलेस यहां पर लिख लीजिए, लाइफलेस जिनमें जीवन नहीं होता है, लाइफलेस थिंग्स को ये लोग डिनोट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया टेबल हो गया, बुक हो गया, और बैग हो गया, मतलब जो लाइफलेस थिंग्स है ना वो सब हमारी जो आती है, वो सब हमारी कंप्यूटर हो गया, नोटबुक हो गया, ये सब हमारी न्यूट्रल जेंडर में आती है। तो चारों के चारों जेंडर आपको पता लग गए होंगे, जेंडर हमारा क्या होता है जिससे मेल या फीमेल होने का डिनोट होता है वो हमारा जेंडर होता है। जेंडर हमारे चार प्रकार के होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलिन में लड़के होने का बोध होता है मेल, और फेमिनाइन में फीमेल होने का बोध होता है। उसके बाद आपका कॉमन जेंडर में जिनमें दोनों कॉमन होते हैं, जैसे बेबी, चाइल्ड, स्टूडेंट, ये सब जो लाइफ जिनमें होती है ऐसी चीजें जिनसे हमें बोध नहीं होता है। और जो हमारी न्यूट्रल जेंडर होते हैं वो हमारे होते हैं जो लाइफलेस चीजें होती है, टेबल हो गया, बुक हो गया, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, लाइफलेस वाले न्यूट्रल होते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये जो है प्रोनाउन के लिए, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन, और इससे संबंधित जितने भी हमारे ये जो होते हैं जो जेंडर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको मतलब कि जो ऐप वाला जो स्टडी मटेरियल है उसमें मैं डाल दूंगा इसको, वहां से आप इसको याद कर लेना, क्योंकि कई बार बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग नहीं बता पाते हैं। तो जब तक हमें आप बता पाएंगे तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।